जय हिंद दोस्तों, वैकेंसी निकली हुई है। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी है और बता दें इस केवल 10th पास की जरूरत है, ना कि कोई आईटीआई मांगी गई है ना कुछ। सबसे पहले तो बता दें, टोटल वैकेंसी 5,881 पोस्ट हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट है। और बता दें, एनिमल अटेंडेंट की वैकेंसी है, पशु परिचर की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो निकाली गई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है। बता दें, पशु परिचर की जो वैकेंसी है, एनिमल अटेंडेंट के तौर पर है। टोटल पोस्ट जो है 5,934 पोस्ट है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफी पोस्ट है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले बता दें, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए हैं। जो भी फॉर्म भरना चाहे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जनरल कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग के लिए ₹600 फीस लगेगी। बाकी अनुसूचित जाति और एक्स सर्विसमैन को ₹400 फीस देनी होगी। ऑनलाइन फीस जमा होगी, जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसी टाइम फीस जमा होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुल पोस्ट जो है 5,281 पोस्ट है, जिसमें सामान्य के लिए दिए हुए हैं अलग पोस्ट, अनुसूचित जात के लिए दिए हैं अलग पोस्ट, काफी पोस्टें हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के लिए है, तो ये पोस्ट है। इसके बाद इसमें क्षैतिज आरक्षण में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन दिया है। भूतपूर्व सैनिकों, जनरल भूतपूर्व सैनिकों के लिए 239 पोस्ट है। एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 105 पोस्ट है। एसटी एक्स सर्विसमैन के 79 पोस्ट है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन के 138 पोस्ट है। एमबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 33 पोस्ट है और ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन के लिए 66 पोस्ट है। तो ये रिजर्वेशन है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र की भी वैकेंसी कुछ है, उनमें बता दें कि 653 पोस्ट हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण में जो पोस्ट हैं, जनरल के लिए 41, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 36 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट निकली है। केवल 10th पास होना जरूरी है, जो भी इसमें चाहे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, राजस्थान की काफी अच्छी वैकेंसी काफी दिनों बाद निकली है। इसमें बता दें कि 12.5% रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा, जो कि आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार 12.5% का होता है। इसके जो एज है, 18 से 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार। तो एज एससी एसटी को 5 साल एज छूट दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल, इसके बाद एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। जो सैलरी रहेगी, सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स पे लेवल 1 की रहेगी। बेसिक रहेगा ₹19,700 और उसमें डीए बाकी जो अलाउंस है वो दिए जाएंगे। तो काफी अच्छी सैलरी भी है। जिसमें बता दें कि जो एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी चाहिए 10th पास। इसके बाद देवनागरी लिपि का नॉलेज भी होना चाहिए। तो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।